आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पंक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहां संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खान पान है, सदन के अंदर सब कुछ है। और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर न हरेक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है।
इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 90 थी। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है, हम सब ने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहां का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से, सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं।